ना दे रहा हूँ उनको, मत लीजिए ना, आप बिना ऋण के चलाइए, क्यों ले रहे हैं आप ऋण? आपने 8-9 महीने में आपने 8,000 करोड़ ऋण ले लिया, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश हो रही है, किसको गुमराह करने की कोशिश हो रही है? हकीकत जानिए, ये प्रदेश ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया है जहां ऋण सरकार चलाने के लिए, देनदारियों को पूरा करने के लिए लेना ही पड़ेगा। सरकार कोई भी हो, ABC कोई भी सरकार हो, सबको ऋण लेना पड़ेगा। सर, डी नोटिफाई का मसला आज विधानसभा के अंदर उठा, आपने कई सवाल उठाए, तो सर क्या लगता है आपको कि ऐसे कितने संस्थानों को बंद कर दिया जिनकी जरूरत अभी भी महसूस की जा रही है? देखिए, ये जितना झूठ बोलते हैं, ये मैं पिछले 26 साल से इस विधानसभा के अंदर हूँ, मैं कैबिनेट मंत्री भी रहा हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर भी रहा हूँ 5 साल। जब हमको इस बात को समझाने लगते हैं कि संस्थान खोलने के लिए प्रोविजंस क्या होते हैं और ये कौन से किस प्रोविजन के अंतर्गत खोलेंगे आने वाले समय, वो भी हम देखेंगे, अभी तक तो खोला कोई नहीं हमने। हमने जो प्रोविजंस हैं, जो वर्षों से चले हैं, जो सेट नॉर्म्स पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में है, कैबिनेट में आइटम आती है, कैबिनेट में उसकी अप्रूवल होती है, पोस्टों की क्रिएशन होती है, उसके बाद वो संस्थान खोले जाते हैं, उसके बाद उसकी नोटिफिकेशन खोलने की नोटिफिकेशन होती है। और आज मैंने जब प्रश्न इनके ही विधायक का प्रश्न था, उस पर ही हमने जब प्रश्न पूछा, हमने पालमपुर में BDO का ऑफिस खोला, इन्होंने बंद कर दिया आते ही। और उनका ही विधायक जो CPS आज वो मंच पर जाकर के कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखू जी के सामने बात रखते हैं होली के दिन के, यहाँ BDO का ऑफिस होना चाहिए, और वो घोषणा करते हैं BJP का खोला हुआ BDO का ऑफिस बंद करना और अपना BDO का ऑफिस खोलने की घोषणा करते हैं। जब हमारा वो जस्ट बंद कहते, वो जस्टिफाइड नहीं था, किन ग्राउंड्स पर फिर आपने खोला है, आपने खोलने की बात कही है? यही स्थिति बद्दी में क्यों नहीं, SDM का दफ्तर खोला, BDO का दफ्तर खोला, दोनों डीनोटिफाई कर दिए। अभी कुछ वक्त पहले मुख्यमंत्री खुद गए और फिर घोषणा कर दी कि मैं, मजाक का विषय बन गया। नियम कानून जो व्यवस्थाएं सारी की सारी धरी की धरी रही, कहते तो व्यवस्था परिवर्तन की बातें, लेकिन उसके बावजूद हकीकत यह है, व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था का ये आलम है कि कुछ मालूम नहीं पड़ रहा, ना अधिकारियों को मालूम पड़ रहा, ना मंत्रियों को पड़ रहा, ना विधायकों को पड़ रहा है, और अब तो यहां तक कि ना जनता को पड़ रहा है कि इस सरकार में हो क्या रहा है, क्योस है चारों तरफ। सर, आरोप तो ये भी है कि भाजपा 5 साल में सिर्फ 25% ही रोजगार दे पाई, तो इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि 5 साल आपकी भी सरकार है, आप बतौर चीफ मिनिस्टर रहे हैं। देखिए, वो तो विशेष तौर से एक ही मामला था, जो करुणा के आधार पर, जो करुणा मूल्य के आधार पर, जो कंपैशन ग्राउंड पर, जो लगाने के लिए हमारी सरकार ने, उसमें पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट में यह था कि 50 वर्ष के बाद कोई कर्मचारी मर जाता था, उसके परिवार से किसी सदस्य को नौकरी मांगने का अधिकार ही नहीं था। हमारी सरकार ने कहा कि मौत आदमी के हाथ में नहीं है, जब तक रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट के एक दिन पहले या रिटायरमेंट वाले दिन भी अगर रिटायरमेंट से पहले किसी आदमी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को भी नौकरी देंगे। तब संख्या भी बढ़ी और बहुत सारे लोगों ने इसका स्वागत भी किया। हमने एज को इंक्रीज किया, आयु सीमा में छूट दी, हमने उनके जो है इनकम के स्लैब में उसमें भी बढ़ोतरी की, और उसके बाद हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपेशनेट ग्राउंड को, कंपेशनेट ग्राउंड्स पर अगर हमने नौकरी देने की बात कही तो हमारी सरकार ने दी है, कांग्रेस की सरकार ने दी है। सर, एक सवाल हमें लगता है कि ये जरूरी हो गया है, पहले भाजपा की सरकार में और अब कांग्रेस की सरकार को 1 साल हो गया, सर नौकरियों को लेकर, बेरोजगार युवाओं को लेकर अभी तक जो है वो एक अनदेखी देखी जाती है, या ये देखा जाता है कि उनको भर्तियां रेगुलर नहीं हो पा रही है, रिजल्ट नहीं आ रहे, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? देखिए, हमारी सरकार ने जो भर्तियों की प्रोसेस सबॉर्डिनेट सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर में शुरू की थी, लगभग 3,500 नौकरियां ऐसी है जिनके टेस्ट हुए पड़े हैं, रिजल्ट रुका हुआ है। कारण कि एक किसी आदमी ने वहां पर गलत किया और उसके कारण जो है वो सारी प्रक्रिया भर्ती की रोकना उचित नहीं है। पहले तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को उसको बंद कर दिया, और बंद करने के बाद मुख्यमंत्री कहते कि 1 महीने के अंदर जो है वो हम नई नौकरियों की प्रोसेस शुरू कर देंगे और जो भर्तियां हुई है उनकी उनके रिजल्ट निकाल देंगे। आज 9 महीने हो गए, 10 महीने होने जा रहे हैं, आज भी सुबह मुझे वो बच्चे मिले, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके टाइपिंग टेस्ट हो गए, सारा क्वालिफाई हो गया है,
और उसके बाद उनको सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, वो भी होल्ड पर कर दिया। इनके खिलाफ कोई विजिलेंस का भी कोई केस नहीं। आप जांच करिए, ये जांच कितनी लंबी चलेगी, और इसमें सीधी सी बात है, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्यवाही करिए, और जो निर्दोष है उनको बेवजह इस तरह से इस कदर जो है उनको परेशानी करना चाहिए, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ने और कांग्रेस की सरकार ने किया। आज वो 3,500 बच्चे सड़कों पर दर दर भटक रहे हैं, 3,500 पोस्टों के लिए जिनने अप्लाई किया उनकी संख्या लाखों में है, लाखों में जिनने टेस्ट दे रखे हैं, हजारों में है वो लोग। तो ऐसे में कम से कम जो बातें की हैं उन बातों पर अमल तो करना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में 9 महीने के कार्यकाल में एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली सिवाय इनके अपने साथियों के, एडवाइजर लगाने के सिवाय किसी एक आदमी को नौकरी नहीं मिली। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आने से पहले तो वादा तो ये कर गई थी 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 10,000 कर्मचारी जो आउटसोर्स पर लगे थे वो सड़कों पर छोड़ दिए, उन्होंने घर भेज दिए। कोविड के दौरान जब परिवार के सदस्यों ने अपने रिश्तेदार के पास जाना बंद कर दिया हॉस्पिटल में, वो बच्चे अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके उनकी सेवा करते रहे, उनकी उनके लिए दवाई देते रहे, उनको खाना खिलाते रहे, उनको पानी पिलाते रहे, उनको टॉयलेट तक ले जाते रहे, उनको नहलाते रहे, उन बच्चों को आज उन्होंने बेघर उस नौकरी से निकाल दिया। और ऐसी परिस्थिति जो जिस सरकार में करुणा नाम की कोई चीज ही नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्य है, उस सरकार को हम हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं। और बेरोजगारों की ऐसी स्थिति कभी हमने कल्पना नहीं की थी कि इतनी कठिनाई के दौर में से उनको गुजरना पड़ेगा।